अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी तक हमारी जो बेसिकली 3 प्रैक्टिकल्स हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो था दैट वाज अबाउट दी इंट्रोडक्शन टू द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, और फिर सेकंड प्रैक्टिकल और थर्ड प्रैक्टिकल जो था दैट वाज अबाउट द चेन सर्वे, ठीक है, कि किसी एरिया की अगर हम सर्वे करते हैं तो सपोज इफ दैट इज ओनली परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ चेन, जिसमें हम जस्ट लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं, तो इसको फिर चेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। नाउ इन और नेक्स्ट प्रैक्टिकल it is mostly our lecture number 5 and we will discuss the practical number 4 which is the compass survey, ठीक है। जी हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे हैं, कि किस पर्पस के लिए आप करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, किस चीज़ के सर्वे करते हैं। लेकिन बेसिकली सर्वे जो होते हैं उसमें हम 2 चीज़ें मेजर करते हैं, या लीनियर डिस्टेंसेस मेजर करते हैं और या हम एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है, या लीनियर मेजरमेंट्स लेते हैं और या एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं। तो फिर वो मेजरमेंट्स हम जिस इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं तो सर्वे को फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट के नेम से जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह चेन सर्वे है, सपोज उसमें अगर हम मेजरमेंट जो है वो चेन के जरिए करते हैं, सिमिलरली अगर थियोडोलाइट के जरिए हम सर्वे करते हैं तो उसको थियोडोलाइट सर्वे कहते हैं। नाउ अगर वो सर्वे जो है हम कंपास के जरिए कर लेना, एंगुलर मेजरमेंट्स हम ले रहे तो उसको फिर कंपास सर्वे कहते हैं। ब्रॉडली अपने माइंड में रखें कि जो सर्वे होते हैं उसकी 2 क्लासेस होते हैं, सर्वे की जो मेथड्स हैं, या हम ट्रेवर्सिंग करते हैं और या ट्राइंगुलेशन करते हैं, ठीक है। हमारे जो 2 प्रिंसिपल है ना सर्वे के, हमने जो डिस्कस किए थे उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सपोज अगर हमारे पास ये एरिया है तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को वेल शेप ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, फिर जो है हम हर एक ट्राइंगल की ऑब्जर्वेशन लेके उससे फिर कैलकुलेशन करते हैं, सो इसको ट्राइंगुलेशन कहते हैं। ये एक मेथड है सर्वे का। दूसरा मेथड जो है वो ट्रेवर्सिंग है, ठीक है। ब्रॉडली 2 मेन मेथड यूज होते हैं सर्वे के लिए, एक ट्राइंगुलेशन है और एक ट्रेवर्सिंग है, ठीक है। ट्रेवर्सिंग ये है कि सपोज अगर ये एरिया है आपका तो हम क्या करते हैं कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पिग्स लगाते हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस होंगे, ठीक है, और फिर हम इससे डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। मीन एक क्लोज ट्रेवर्स बन जाता है। ये जो फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टेड लाइंस है ना, फ्रेमवर्क ऑफ दीज कनेक्टेड बाउंड्रीज लाइन, दीज आर कॉल्ड ट्रेवर्स। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप एक कैनाल के सर्वे करना चाहते हैं, या अगर सपोज आप रोड के सर्वे करते हैं तो ये इस तरह होते हैं ना कि सपोज इस तरह डायरेक्शन है, फिर डायरेक्शन इस तरह चेंज हो जाए, फिर इस तरह आ जाए, फिर इस तरह आ जाए। तो ये भी सी एक लाइन ये है सर्वे का, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये दूसरा लाइन है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये तीसरा लाइन है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये नेक्स्ट लाइन है। सो ये जो इंटरकनेक्टेड लाइंस है ना, इसको ट्रेवर्स कहते हैं। अब आप देखिए ये एक डायरेक्शन में है, इसको फिर ओपन ट्रेवर्स कहते हैं। जिस तरह सपोज अगर रोड का आप एग्जाम्पल ले लें या कैनाल का एग्जाम्पल ले लें तो उसका जो ट्रेवर्स होगा वो क्या होगा, वो ओपन ट्रेवर्स होगा। अब आपके पास अगर सपोज कुछ एरिया है तो वो तो उसकी बाउंड्री क्लोज होगी ना। सपोज अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट दोबारा कहाँ पे आ रहा है, वो फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। और ट्रेवर्स एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द कनेक्टेड लाइन, ठीक है। तो अब इस सर्वे में हम क्या करते हैं, कंपास सर्वे में हम ये जो ट्रेवर्स लाइंस होते हैं ना, ये जो बाउंड्री लाइंस होते हैं सर्वे लाइंस होते हैं, फ्रेमवर्क लाइंस होते हैं, इन लाइन की हम बियरिंग ऑब्जर्व करते हैं। बियरिंग क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ इस लाइन का एंगल कितना है, विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ इस लाइन का एंगल कितना है, ठीक है, हम बियरिंग ऑब्जर्व करते हैं, उसके एंगल्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, ओके, और उसके लिए हम कंपास यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कंपास सर्वे, ठीक है। सो पहले जो है हम कुछ टर्मिनोलॉजीज और इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर हमारी जो एक्चुअली है दो प्रैक्टिकल है कंपास से, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपास सर्वे फर्स्ट ये होगा कि सपोज अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई अब्स्ट्रक्शन है, वाटर है, कोई मार्शी एरिया है, या इस तरह कोई, ये दो पॉइंट सपोज इनएक्सेसिबल है, इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ चेन या विद द हेल्प ऑफ टेप, सपोज आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो फिर विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसकी जो है ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस। मीन कंपास सर्वे या ये जो प्रैक्टिकल है, इसके अंडर हम दो प्रैक्टिकल करेंगे। एक ये है कि सपोज अगर दो पॉइंट्स हैं, उनकी जो इन बिटवीन डिस्टेंस है सपोज दैट इज इनएक्सेसिबल, तो कंपास के जरिए आप वो डिस्टेंस किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा जो है वो कंप्लीट एक ट्रेवर्सिंग होगा या एक कंप्लीट सर्वे होगा कि सपोज अगर आपके पास इस तरह एक एरिया है, तो इस एरिया का जो मैप है ये आप शीट ऑफ पेपर पे किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसके लिए आप कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे, तो स्पेसिफिकली उसके लिए क्या यूज होगा, कंपास यूज होगा, ठीक है, कि कंपास के जरिए आप एक प्लॉटिंग किस तरह करते हैं, मैप किस तरह ड्रॉ करते हैं, डेटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के अंडर हमारे ये दो सेक्शंस होंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है दैट वाज मोस्टली द चेन सर्वे। सो चेन सर्वे हमने ये भी डिस्कस किया था कि दैट विल बी मोस्टली यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। चेन सर्वे की रिजल्ट्स कब एक्यूरेट होंगे, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया, फॉर फेयरली फ्लैट एरिया, लेवल एरिया, ठीक है, उसमें सपोज अगर ज्यादा डिटेल्स ना हो, फ्लैट एरिया हो, लेवल एरिया हो, स्मॉल एरिया हो, तो उसको फिर आप चेन के जरिए उसकी सर्वे कर सकते हैं। बट व्हेन द एरिया इज लार्ज, या उसमें सपोज अंडुलेशंस हो, या उसमें डिटेल्स ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर आप चेन सर्वे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चेन सर्वे जो है ये जो है ट्रायंगुलेशन मेथड के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। मीन ट्रायंगुलेशन जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्वे, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस की ना कि सर्वे जो है हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक ट्रायंगुलेशन है और एक ट्रेवर्सिंग है। तो ट्रायंगुलेशन जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द चेन सर्वे, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास स्मॉल एरिया हो, फ्लैट एरिया हो, लेवल एरिया हो, ज्यादा डिटेल्स ना हो, then you can go for triangulation and chain survey. But when the area is large, or if there is undulation, or if there is too much details, then you cannot go for triangulation or chain survey. Okay, so in such area, the compass surveying will be recommended. ठीक है, ये traversing का principle है, या traversing जो है that is the principle of the compass survey. तो फिर ट्रेवर्सिंग हम थियोडोलाइट से भी कर सकते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं, और कंपास से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली कंपास सर्वे में हम क्या करते हैं कि सी अगर आपके पास एरिया है ना, तो उसके तो बाउंड्रीज लाइंस होंगे ना, कनेक्टेड लाइंस होंगे, तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा आपके पास, सर्वे लाइंस होंगे, बाउंड्री लाइंस होंगे। तो कंपास सर्वे में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि कंपास के जरिए हर एक लाइन का बियरिंग हम मेजर करते हैं। बियरिंग एक्चुअली क्या होता है कि सपोज इस स्टेशन पे आप कंपास को फिक्स कर लें, तो कंपास का जो नीडल होगा वो नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ होगा ना। हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा, कंपास को एक स्टेशन पे कंपास को फिक्स कर लें, तो उसका जो नीडल होगा दैट विल बी अलॉन्ग द नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा एंड पॉइंट जो है वहां पे आप एक रेंजिंग रॉड लगाएं और कंपास से ये एंगल आप ऑब्जर्व कर लें, दैट इज कॉल्ड द बियरिंग। ठीक है, तो कंपास सर्वे में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक्चुअली वी आर मेजरिंग द बियरिंग ऑफ द लाइंस। Okay, and the compass survey is recommended when the area is large, या if there is undulation, या if there is too many details, तो फिर वहाँ पे फिर chain survey या triangulation recommended नहीं होगा, so then you can recommend the compass survey। ठीक है, और इसकी जो एक limitation है वो ये है, see compass actually किस चीज पे function करता है, उसमें एक needle लगा होता है ना, और वो needle जो है वो अपने आप को align करता है नॉर्थ पोल के साथ, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसके साथ वो अपने आप को अलाइन करता है। अब सपोज जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं और सपोज वहां पे इलेक्ट्रिक केबल्स हैं या वहां पे आयरन की कुछ डिपॉजिट्स हैं या स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर कंपास का जो नीडल होगा ना वो इफेक्ट हो सकता है, वो आपको ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं देगा, फिर वो उससे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर नियर बाई एरिया में वहां पे कोई आयरन हो, स्टील स्ट्रक्चर्स हो, कोई इलेक्ट्रिक केबल्स हो, तो मैग्नेटिक नीडल, उसका नेम क्या है, मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है ना वो इफेक्ट हो सकता है, फिर वो आपको ट्रू नॉर्थ नहीं देगा, वो नीडल जो है ना वो डिक्लाइन हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, तो उस केस में फिर कंपास सर्वे जो है दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर नियर बाई एरिया में इस तरह कोई आयरन के डिपॉजिट्स हो या स्टील के डिपॉजिट्स हो या कोई वो हो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक केबल्स हो, ठीक है, अच्छा। नाउ compass survey are mainly used for refit filling in of details in large surveys and for exploratory work and not for accurate large scale planes। ये भी उसकी recommendations है। See, compass survey can be used for large areas, undulated areas, but इसकी जो accuracy है ये ज्यादा नहीं होती, बिकॉज हम उसमें क्या कंपास यूज करते हैं ना, कंपास में मैग्नेटिक नीडल होता है और मैग्नेटिक नीडल जो है वो इफेक्ट हो सकता है फ्रॉम द नियर बाई स्टोर्स ऑफ आयरन और इलेक्ट्रिक केबल्स और वायर्स एटसेट्रा, तो सर्वे की जो एक्यूरेसी है दैट कैन बी इफेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखें कि कंपास सर्वे जो है ये प्रॉपर या एक्यूरेट सर्वे नहीं है। ठीक है, compasses do not provide a very accurate determination of the bearing of a line as the compass needle aligns itself to the earth magnetic field which does not provide a constant reference direction। मीन इस तरह भी हो सकता है, सपोज के एक पॉइंट है ना, आज आप उस पॉइंट पे कंपास को फिक्स कर लें, सपोज नीडल इस डायरेक्शन आपको दे रहा है कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, अब सपोज 10 दिन बाद अब इसी पॉइंट पे दोबारा कंपास को फिक्स कर लें, तो पॉसिबल है कि वो नीडल थोड़ा इस तरफ हुआ हो। ठीक है, बिकॉज कंपास का जो नीडल है वो तो अपने आप को अलाइन करता है नॉर्थ के साथ, तो अगर नॉर्थ की या जो रेफरेंस डायरेक्शन है अर्थ का, अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाए या अर्थ की मोमेंट की वजह से, ठीक है, या नियर बाई आयरन डिपॉजिट्स की वजह से, स्टील डिपॉजिट्स की वजह से, तो कंपास की नीडल का जो अलाइनमेंट था वो इफेक्ट हो सकता है, वो डिक्लाइन हो सकता है, तो एक्यूरेसी जो है दैट कैन बी इफेक्टेड। ओके, सो कंपासेस डू नॉट प्रोवाइड अ वेरी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर रफ सर्वे एंड क्विक सर्वे। ठीक है, ये उसकी भी एडवांटेजेस है, या अगर कोई और मेथड ऑफ सर्वे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते तो फिर कंपास सर्वे आप यूज कर सकते हैं। और कंपास सर्वे में ऐसी आप लोगों ने देखा होगा जस्ट ये एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है जिसको कंपास हम कहते हैं। ठीक है, तो कंपास क्या है, दैट इज जस्ट अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, ये इस तरह एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इनसाइड एक ग्रेजुएटेड सर्कल होता है ना, जिस तरह हमारे साथ जो प्रोटेक्टर होते हैं वो डी जो होता है, इसमें 360 डिग्री ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, ठीक है, और इसमें एक लाइन ऑफ साइट है। ये जो एक लाइन ऑफ साइट होता है ना, अगर कंपास को आप फिक्स कर ले किसी एक पॉइंट पे, सो ये लाइन जो है इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो फिर अगर यहाँ पे आपका एक पॉइंट है और कंपास को आपने इस पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है, so you will be interested to find out the bearing of this line। तो फिर ये जो ऑब्जेक्टिव वेन है इसको यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगा होगा ना, इसको इसकी तरफ रोटेट कर लें। अब देखिए ये जो नीडल है ना ये तो नॉर्थ की तरफ होगा, तो ये जितना आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पीस से आप जो है एंगल को ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंगल कितना है। So that will be the bearing of this line, this suppose this AB line, ठीक है। So the compass जो है that is actually not measuring the angle, remember, that is actually measuring the bearing of the line। और bearing क्या होता है? Angle of a survey line with respect to the north direction। तो जब suppose अगर ये AB line है ना, इसका अगर आपने bearing find करना है तो A point पे कंपास को फिक्स कर ले, तो कंपास में जो नीडल होगा वो तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा, और बी पे यहाँ पे आप एक रेंजिंग रॉड लगाएं, यहां से आप साइट कर लें। तो ये जो लाइन आप साइट है और ये जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला लाइन है, इनके दरमियान ये जो रीडिंग्स होंगे इसको आप नोट कर लें। सो दैट विल बी द बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लाइन। मेरिडियन कहते हैं, बियरिंग कहते हैं, एंगल भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक बियरिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो कंपास यूज होता है उसमें मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है। सो रिमेंबर कंपास इज नॉट मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन बट इट इज एक्चुअली मेजरिंग द एंगल ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन, और वो रेफरेंस लाइन क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन होगा। अब देखिए ना, सपोज अगर आपके पास दो लाइंस है, यहां से ये ए बी लाइन है और ए सी लाइन है, तो यहां पे आप कंपास को फिक्स कर लें। फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी का बियरिंग सपोज थीटा 1, ए सी का बियरिंग सपोज दैट इज थीटा 2, सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट विल बी द इंक्लूडेड एंगल। कंपास जो है वो डायरेक्टली एंगल को मेजर नहीं करते, कंपास से आप बियरिंग को ऑब्जर्व करते हैं, बियरिंग को मेजर करते हैं, और फिर हम इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर इन एंगल की वजह से बाकी कैलकुलेशंस करके हम प्लेन या मैप जो है वो शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में या डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा सी, ये तो देखा हुआ था ना आप लोगों ने, फर्स्ट जो हम जो इंस्ट्रूमेंट के इंट्रोडक्शन कर रहे थे, ये इंस्ट्रूमेंट देखा था आप लोगों ने, कंपास। यस सर। अच्छा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपास होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास है, सर्वेयर कंपास है, ट्रैप कंपास है, ट्यूबुलर कंपास है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये ट्यूबुलर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास लेबोरेटरी में हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। ये सारे जो प्रिंसिपल हैं या जो कंपासेस हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। सारे कंपासेस में क्या होता है, ये एक नीडल लगा होता है, ठीक है। ये देखे ना, इन कंपासेस में ये एरोज लगे होते हैं, नॉर्थ हैं, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। अगर इस कंपास को आप एक पॉइंट पे फिक्स कर लेना तो ये जो एरो है इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर जिस लाइन का आपने बियरिंग फाइंड करना है तो उस बियरिंग, उस लाइन को आप साइड कर ले तो आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा, वो बियरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जो जनरल प्रिंसिपल है वो सब कंपासेस के लिए सेम है, ठीक है। If a long and narrow magnetized iron और स्टील स्ट्रिप सस्पेंडेड एंड if I would, जिस तरह वो ट्रप कंपास ना, वो इस तरह एक लॉन्ग शेप का था और उसमें इनसाइड जस्ट एक नीडल लगा हुआ था विच वॉज यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ, ठीक है। और इसके जरिए जो हम बियरिंग नोट कर सकते हैं, इसमें थ्री ये ग्रेजुएटेड सर्कल लगा होता है, 360 डिग्रीज होते हैं उसमें। सो मोस्टली हम जो प्रैक्टिकल में यूज करेंगे वो प्रिज्मेटिक कंपास होगा। ये जो है ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ये सर्वेयर कंपास है, ठीक है। जस्ट उसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। So let us generally discuss the prismatic compass. It is the most suitable portable form of compass used for surveying, ठीक है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इतना वेट भी नहीं है, मीन इजीली आप उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है, पॉकेट में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उसकी जो मेन पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट फिगर में है। मोस्टली इसकी ये जो डायल होता है ना, ये 10 सेंटीमीटर होते हैं या 12 सेंटीमीटर होते हैं, बाज 8 सेंटीमीटर होते हैं। जस्ट कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है, उसकी डायमीटर पे उतना उसका परफॉर्मेंस जो है उस पर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जनरली ये जो कंपासेस होते हैं उनका ये 100 मिलीमीटर की 10 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। इसमें इनसाइड अगर आप देखें ये एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल इज अटैच टू अ लाइट सर्कुलर एल्यूमिनियम रिंग, ठीक है। ये एक एल्यूमिनियम रिंग होता है ना, ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है इस पे रीडिंग्स होते हैं और ये एक नीडल टाइप है ना इनके बीच में, विच इज यूज फॉर दी डायरेक्शन पर्पसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, ये नीडल है बीच में, ये जो डायमीटर शेप का है, और अराउंड जो है एक रिंग होता है, एल्यूमिनियम रिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये नीडल जो है ये मैग्नेटिक नीडल होता है, तो जब आप इसको फिक्स करके लेवल कर लें तो ये अपने आप को अलाइन करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, ठीक है। A ring is graduated to degrees in half degree, ठीक है। मीन इसमें डिग्रीज होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं, और स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मीन एक डिग्री के दरमियान फिर दो डिवीजन्स होते हैं। तो मोस्टली प्रिज्मेटिक कंपास की जो एक्यूरेसी होती है या इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.5 डिग्री होती है, ठीक है। और अगर आप देख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, ये जो प्रिज्मेटिक कंपास का जो नीडल है ना, जहां पे उसका नॉर्थ लिखा हो वहां पे ग्रेजुएटेड जो है वो ग्रेजुएशन जो है वो 180 होगा और साउथ डायरेक्शन पे जो ग्रेजुएशन होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज उसकी ग्रेजुएशंस होते हैं, तो वेस्ट साइड पे 90 डिग्री होंगे और ईस्ट साइड पे 270 डिग्री होंगे, ठीक है। और साउथ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो साउथ से स्टार्ट होगी 0, 90, 180, 270, 360 या 0, ठीक है। ग्रेजुएशन रन क्लॉकवाइज, सो इसकी जो मीन क्लॉकवाइज होते हैं तो वेस्ट साइड पे 90 डिग्रीज होंगे, ईस्ट साइड पे 270 डिग्रीज। जस्ट अगर आप कंपास को देखें तो इसमें इस तरह के ग्रेजुएशंस होते हैं, ठीक है। ये फिर उसकी कंपास की इन डिटेल पार्ट्स हैं। अगर आप देखें ये वो नीडल है, ठीक है, नीडल है, बीच में ये यहाँ पे सपोर्टेड होता है, तो ये पाइवोट पॉइंट होता है। इस पोर्शन को आई पोर्शन कहते हैं, मीन यहाँ से आपने देखना होगा, और ये जो पोर्शन है इससे आपने ऑब्जेक्ट को साइट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो यहाँ पे जो वायर लगा होता है उसको आई वेन, उसको ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं, ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। और यहाँ पे जो एक स्ट्रिप टाइप का होता है दैट इज कॉल्ड आई वेन। तो आपने क्या करना होगा कि कंपास को सेट कर लें तो जो नीडल है वो खुद ब खुद नॉर्थ के साथ अलाइन हो जाएगा, और आपने फिर यहां से देखना है आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन और जिस पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, इन तीनों को अलाइन कर लें और यहां से फिर आप रीडिंग ले लें कि ये एंगल कितना है. सो दैट विल बी द बियरिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइन. ठीक है, तो ये डिफरेंट फिर पार्ट्स है ना इसके प्रिज्मेटिक कंपास के. सो फर्स्ट क्या है, सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स है. अब देखें एक्चुअली कंपास क्या है, वो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल आपको अगर नजर आ रहा हो और इसमें जो नीडल है ना, दैट इज कंपास. तो फिर सी इसकी ये जो आउटर केसिंग है या जो ये मेटल बॉक्स है, ये उसका एक कंपोनेंट है ना. सो मोस्टली ये 8 टू 12 सेंटीमीटर का होता है और एक्चुअली इट इज प्रोटेक्टिंग द मेन कंपास फ्रॉम डस्ट और रेन. ठीक है, ये अ टाइप ऑफ कवर है ना, अ टाइप ऑफ केसिंग है, अ टाइप ऑफ बॉडी है कि इनसाइड कंपास को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा जो है उसका ये येलो पॉइंट अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, इसको पाइवोट कहते हैं. ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है ना, जिस पे ये जो कंपास होता है ना, ये जो ग्रेजुएटेड सर्कुलर कंपास है, ये उसके ऊपर सपोर्ट होता है और सस्पेंडेड होता है. ठीक है, मींस पर सपोर्ट पर्पस, इसको पाइवोट पॉइंट कहते हैं ना, जो सेंटर में ये पॉइंट है. लेफ्टिंग पेन है एंड लेफ्टिंग लीवर है. ठीक है, दैट इज जस्ट प्रोवाइडेड बिलो दिस साइट वेन. मीन ये जो पोर्शन है इसको यहां से आपने देखना होगा ना, इसको ये आई वेन है या साइट वेन है. अगर आप उसको सपोज यूज नहीं करते तो ये पोर्शन जो होता है ये फोल्डेड होता है, और जब आप उसको फोल्ड कर लेना तो ये जो कंपास है इनसाइड वो फिक्स हो जाता है, वो फिर फ्री नहीं होता. अगर आप इसको फोल्ड ना करें ना तो इनसाइड ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो फ्री होता है और सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसको सपोज अपने साथ ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप सपोज हाथ में है आपके पास, तो ये नीडल जो है ये ऊपर नीचे होगा, इधर उधर होगा, तो ये इफेक्ट हो सकता है. तो इसके लिए अगर आप कंपास को सपोज यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है इसको आप फोल्ड कर लेना. जब आप उसको फोल्ड कर लें तो ये जो नीडल होता है ना, ये फिक्स्ड हो जाता है, फिर ये जो है सस्पेंड नहीं होता. ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल, ये तो मेन चीज है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है विच इज द हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड दिस नीडल मेजर द एंगल ऑफ अ लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, एक्चुअली दैट नीडल अलाइन इटसेल्फ टू नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन को अलाइन होता है. अच्छा, नेक्स्ट जो है ग्रेजुएटेड सर्कल है, इसमें ये जो सर्कल लगा हुआ है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सो इसमें 0 से 360 डिग्री तक डिविजन्स होते हैं. ठीक है, बिकॉज एंगल जो होगा जाहिर बात है वो 0 से 360 डिग्री के दरमियान होगा. नेक्स्ट जो है प्रिज्म है, यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होता है. ठीक है, तो रिमेंबर ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ना, ये इस पे जो रीडिंग्स होते हैं ये इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं. तो जब आप अपने लाइन को साइट कर लें तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, प्रिज्म से आपने देखना होगा रीडिंग्स को. तो वो रीडिंग्स को क्या करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं और सीधा कर देते हैं ना, जिस तरह हम एफएससी में लेंसेज पढ़ते थे. तो यहाँ पे इस तरह एक प्रिज्म लगा होता है, जब आप अपने लाइन को साइट करते हैं ना तो फिर प्रिज्म के जरिए जो है वो ग्रेजुएशंस को हम रीड करते हैं. तो वो ग्रेजुएशंस को क्या करते हैं, इनलार्ज कर देते, बिकॉज ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे नजर नहीं आते. तो प्रिज्म के जरिए फिर हम ग्रेजुएशंस को रीड करते हैं कि एंगल कितना है. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ना एक छोटा सा सर्कुलर होल होता है, उस पे आपने देखना होगा. ऑब्जेक्टिव वेन है, देखें ना सपोज यहाँ पे आपका एक बी पॉइंट है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, तो ये वायर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये वायर जो है इट इज द ऑब्जेक्ट वेन. और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये इस तरह एक चैनल टाइप जो है, ये आई वेन है. तो इन तीनों को आपने अलाइन करना होगा. ठीक है। तो ये जो वायर है ना, इसको ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। ये ब्लैक थिन वायर होता है या हार्स वायर होता है, ठीक है। जिस तरह हमने डिस्कस की ना, यहाँ पे आई वेन होता है। तो आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और अपना रेंजिंग रॉड जो लगा हुआ है, इन तीनों को आप साइट कर लें। यहाँ पे आप देख लें, ये जो नीडल है ये तो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, और जब आप इन तीनों को अलाइन करते हैं ना तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो प्रिज्म के जरिए इस एंगल को रीड कर लें, ठीक है। ये ऊपर से जो कवर लगा हुआ है इसको ग्लास कवर कहते हैं, ठीक है। इट कवर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फ्रॉम द टॉप सच दैट नीडल जो है या ग्रेजुएटेड सर्कल जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सन ग्लासेस लगे होते हैं, यहाँ पे देखें ना, ये अक्सर सन, सपोज अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप साइट करते जो लुमिनियस हो तो फिर वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए सन ग्लासेस यहाँ पे लगे होते हैं आई वेन के साथ। अगर ये आपको नजर आ रहा हो तो इसको सन ग्लासेस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर साइटिंग, इफ यू आर टेकिंग द एंगल ऑफ सम लुमिनियस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। सपोज अगर आप जिस पॉइंट को साइट कर रहे हैं ना, सी अगर स्लोपी एरिया है, यहाँ पे आपने कंपास को सेट किया हुआ है, तो सपोज ये जगह आपको नजर नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होता है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्टिंग मिरर कहते हैं। अच्छा जी, स्प्रिंग ब्रेक है और ब्रेक पेन है। जब आप कंपास को सेट करते हैं ना, तो ये तो अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन करेगा नीडल को। फिर आपने क्या करना होगा कि आई वेन को, ऑब्जेक्ट वेन को और रेंजिंग रॉड को, तीनों को अलाइन करना होगा। तो ये जो केसिंग है ना, इस केसिंग को आप इस तरह रोटेट करते जाए। इनसाइड तो जो नीडल है वो तो फ्री होगा, वो सस्पेंडेड होगा। ये आउटर केसिंग आपने इस तरह स्लोली रोटेट करना है अपने रेंजिंग रॉड की तरफ। अच्छा, जब आप इसको साइड कर देंगे ना, तो आप देखें ना, इनसाइड ये जो नीडल है ये फ्री है, ये सस्पेंडेड है, तो ये इस तरह मूव होता है। आई मीन इन रेस्ट नहीं होता, अपने वेट करना होगा। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव साइड जो है उसके साथ यहाँ पे एक पिन लगा होता है। इस पिन को जब आप प्रेस कर लेंगे ना, तो ये जो सिलेंडर है या जो नीडल है ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये फिर मूव नहीं होगा, मीन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि इनसाइड ये जो नीडल है या सिलेंडर है ये फ्री होता है, ये सस्पेंडेड होता है। तो जब आप अपनी रेंजिंग रॉड को साइट कर लेना, तो ये नीडल जो है ये इस तरह डिस्टर्ब्ड होगा, ये इस तरह मूव होगा, अप एंड डाउन होगा, या सर्कुलर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी, राइट टू द लेफ्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी, मीन ये फिक्स नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि ये जो ब्रेक पेन लगा होता है इसको आप प्रेस कर लेना, तो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ये फिक्स हो जाएगा, और फिर डायरेक्टली आप इस प्रिज्म के जरिए यहाँ से रीडिंग नोट कर लें। तो इसको ब्रेक पेन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पार्ट्स है उसकी कंपास के, इसको केसिंग कहते हैं। ऊपर से ग्लास कवर है, ये आई पोर्शन है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। यहाँ पे जो वायर लगा होता है उसको ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं, यहाँ पे आई वेन होते हैं, यहाँ पे सन ग्लासेस होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव मिरर है। इनसाइड सर्कुलर ग्रेजुएटेड सर्कुलर वो प्रोटेक्टर टाइप होते हैं। ये नीडल है, यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है जिसके जरिए हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी मेजर पोर्शन और दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दी कंपास, ठीक है। जब हम इसके जरिए प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर और भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप ये जो मेन पॉइंट्स है ये माइंड में रखें, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिस्कस की ना, इस तरह इस पे जो फिगर्स होते हैं या जो रीडिंग्स होते हैं, ये ग्रेजुएटेड सर्कल पे ये इन्वर्टेड होते हैं और छोटे भी होते हैं, तो इसलिए उसके लिए ये यहाँ पे प्रिज्म लगा होता है। तो प्रिज्म के जरिए आपने देखना होगा रीडिंग्स को, तो वो रीडिंग्स क्या करते हैं, एरेक्ट करते हैं और मैग्नीफाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो जब कंपास आप सेट कर लेना किसी पॉइंट पे, तो इसका जो नीडल होगा वो कहाँ पे होगा, एलॉन्ग द नॉर्थ डायरेक्शन। अब सपोज यहाँ पे बी पॉइंट है, मीन इंस्ट्रूमेंट को आपने ए पॉइंट पे सेट किया हुआ है, तो नीडल विल बी अलाइन्ड टू द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर आपने कंपास को रोटेट करके के आई वेन, ऑब्जेक्टिव वेन और बी स्टेशन पे जो रेंजिंग रॉड है, ये तीन अलाइन में आ जाए। तो यहां से आप जो एंगल नोट करेंगे, दैट विल बी दिस एंगल व्हिच इज कॉल्ड द बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। इसको बियरिंग कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ, ठीक है। और इसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसको होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। अब देखिए ना, ये एंगल तकरीबन कितना होगा, थीटा, दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री। अब सपोज अगर यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट का एंगल ये होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है, सपोज थीटा 2। तो इसको होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। When you are taking the angle of any point with respect to the north, इसको whole circle bearing कहते हैं, ठीक है। अदर इक्विपमेंट्स क्या यूज होंगे, ट्राइपॉड होगा, ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए स्टैंड है, चेन और टेप अक्सर यूज होते हैं। अगर सपोज आपने कुछ लीनियर मेजरमेंट्स करने हैं, रेंजिंग रॉड्स यूज होंगे, पेग्स यूज होंगे, प्लम्बाब यूज होगा कि कंपास जो है ये एग्जैक्टली आप स्टेशन के ऊपर फिक्स कर लें, ठीक है। फील्ड बुक यूज होगा रीडिंग को नोट करने के लिए, पेंसिल और इरेजर यूज होंगे। मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, दैट इज कंपास, ये बाकी तो सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तलहा वहीद क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, लेट्स डिस्कस दिस थिंग। सी बियरिंग हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बियरिंग जो है दैट इज द डायरेक्शन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन। सी हमारे पास जो ग्लोब है ना, अर्थ का जो ग्लोब है, इसमें दो लाइंस होते हैं ना, एक ये लाइन है, एक तो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्थ साउथ लाइन होता है और एक ईस्ट वेस्ट लाइन होता है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे ऑन द अर्थ सरफेस अगर आप कंपास को फिक्स कर लें, तो कंपास का जो नीडल होगा वो अपने आप को अलाइन करेगा अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। अब दूसरा सी, जब आप एंगल नोट करते वो एक लाइन का एंगल होगा, तो एक एंड पे आप कंपास को फिक्स कर लें, ठीक है। तो जिस एंड पे आप कंपास को फिक्स कर लेंगे, तो वहां पे नीडल अपने आप को अलाइन करेगा नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, और दूसरा एंड जो है आपके लाइन का, उसको आपने साइड करना है, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है इस लाइन का विद रेस्पेक्ट टू दिस गिवन स्टैंडर्ड लाइन, रेफरेंस लाइन, मेरिडियन लाइन, इसको बियरिंग कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ के साथ हम जो एंगल मेजर करते हैं ना किसी लाइन का, इसको बियरिंग कहते हैं, ठीक है, सर्वे लैंग्वेज में इसको बियरिंग कहते हैं। अच्छा, अ मेरिडियन इज इन एनी डायरेक्शन, ये इसकी फिर डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं। एक हमारे पास ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड लाइन है ना, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको मेरिडियन कहते हैं। मीन जब किसी भी लाइन की आप एंगल नोट करते हैं ना, ये विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन होगा, तो वो जो रेफरेंस लाइन है उसको मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। ट्रू मेरिडियन ये है, कि सपोज अगर आप किसी लाइन की जो एंगल है वो नोट कर ले एग्जैक्टली विद एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो ग्लोब है ना, ये नॉर्थ और साउथ को अगर आप ज्वाइन कर लें। अब अगर अर्थ सरफेस पे सपोज इस तरह एक लाइन है, इस तरह एक लाइन है, तो इस लाइन का अगर आप ये एंगल ले लें या ये जो दूसरी लाइन है इसका ये एंगल आप ले लें, so these angles are taken with respect to the actual north and south। तो इसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं, ये जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ है, और इन एंगल्स को फिर ट्रू बियरिंग्स कहते हैं। Okay, just understand the terminologies. Okay, the direction of the true meridian through point can be established by astronomical observations. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं ना, उनकी जरिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअली नॉर्थ और साउथ का जो लाइन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, वो ट्रू नॉर्थ होगा। तो उस लाइन की विद रेस्पेक्ट आप किसी भी लाइन की फिर जो बियरिंग नोट करते हैं, इसको ट्रू बियरिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब सी सपोज अगर किसी पॉइंट पे आप डिपार्टमेंट में, सपोज डिपार्टमेंट पे आप कंपास लगाए, तो कंपास का नीडल जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा ना, लेकिन वो पॉसिबल है कि वो एक्चुअल नॉर्थ ना हो, बिकॉज उसमें तो मैग्नेट लगा हुआ है ना कंपास में, तो उसमें एरर आ सकता है। पॉसिबल है कि वो एक्चुअल नॉर्थ के साथ अलाइन ना हो, ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइन ना हो, ट्रू मेरिडियन के साथ अलाइन ना हो। आप जो एंगल लेंगे तो इस कंपास नॉर्थ के साथ लेंगे ना, और वो तो ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइन नहीं है, तो इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये जो कंपास का अलाइनमेंट होता है नॉर्थ के साथ, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और विद रेस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आप किसी लाइन की एंगल को नोट कर लें, तो उसको फिर मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया ट्रू नॉर्थ का या ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सी हमारे पास अर्थ है ना, एक तो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ लाइन है अर्थ सरफेस पे। अब सपोज आप कंपास लगाएं और कंपास आपको इस तरह शो कर लें नॉर्थ और साउथ को, तो ये ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसके साथ अगर आप एंगल लेंगे ये ट्रू बियरिंग होगा, इसके साथ अगर आप एंगल लेंगे वो मैग्नेटिक बियरिंग होगा। इज इट क्लियर जी? यस सर, यस। अच्छा यस सर। फिर एक और आ जाता है, सपोज अगर आपके पास कंपास नहीं है और आप वैसे सपोज इस लाइन का अगर आपने बियरिंग फाइंड करना है, ठीक है, एंगल नोट करना है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे अगर एक चिमनी है या एक पोल है, तो उससे हम इस ए बी लाइन का बियरिंग नोट करते हैं। तो अगेन ये एक रेफरेंस लाइन हो गया ना, कि यहाँ पे एक पोल है या एक चिमनी है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सी ये ए बी लाइन है, तो इस ए पॉइंट पे सपोज आप खड़े हैं, इस पोल की से बी स्टेशन के तरफ सपोज ये एंगल आप ऑब्जर्व कर लें, तो ये जो रेफरेंस लाइन होगा इसको फिर आर्बिट्ररी नॉर्थ कहते हैं, आर्बिट्ररी मेरिडियन कहते हैं। और विद रेस्पेक्ट टू दिस आर्बिट्ररी लाइन आप जो एंगल ऑब्जर्व करेंगे इसको आर्बिट्ररी बियरिंग कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्ररी बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द एंगल विच इट मेक विद एनी रेफरेंस लाइन। ठीक है, अच्छा फिर एक और टर्म है हमारे पास विच इज कॉल्ड द होल सर्कल बियरिंग. सो द बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद द मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सी, जब आप कंपास को फिक्स कर लेंगे किसी पॉइंट पे तो उसका नीडल जिस डायरेक्शन में होगा उसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं. अब किसी भी लाइन की जब आप एंगल नोट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी मैग्नेटिक नॉर्थ उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे और वो होल सर्कल बियरिंग होगा बिकॉज दैट इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ. सपोज अगर ये 70 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये सपोज 170 डिग्री है, ये सपोज 280 डिग्रीज है, ये सपोज 320 डिग्रीज है, तो इन सारे लाइंस की जो बियरिंग है ना that are taken with respect to the magnetic north, तो इसको होल सर्कल बियरिंग कहते हैं. और होल सर्कल बियरिंग जो है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के दरमियान होगा. जाहिर बात है अगर कहीं भी एक लाइन है ना तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ से 0 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान होगा. ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आ जाते हैं रिड्यूस बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग. सिंपली मैं आप लोगों को अभी समझाऊं, सपोज अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है ना, अब यहां पे एक लाइन है तो इसका ये होल सर्कल बियरिंग होगा सपोज θ1. इस साइड पे हमारे पास साउथ होता है, इस साइड पे ईस्ट होता है और इस साइड पे वेस्ट होता है. अब सपोज यहां पे एक लाइन है तो नॉर्थ से ये इसका होल सर्कल बियरिंग होगा. अगर सपोज यहां पे एक लाइन है तो नॉर्थ से ये इसका होल सर्कल बियरिंग होगा θ3. अगर यहां पे एक लाइन है तो इस नॉर्थ से ये इसका होल सर्कल बियरिंग होगा θ4. सी, द एंगल्स आर टेकन विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? होल सर्कल बियरिंग्स कहते हैं. Now, the angle with respect to the north or south, उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग कहते हैं. अब देखिए ना, ये जो फर्स्ट लाइन है इसका ये एंगल, ये with respect to the north है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. अच्छा, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका हम फिर ये एंगल लेते हैं रिड्यूस बियरिंग में कि साउथ से ये कितने डायरेक्शन में है. समझ आ रहा है? ये थर्ड लाइन ये साउथ से कितने डायरेक्शन में है, साउथ से. ये फोर्थ लाइन ये नॉर्थ से कितने डायरेक्शन में है. तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइन आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन आ रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू साउथ होगा. और नॉर्थ से ये एंगल्स और साउथ से ये एंगल्स, इनको क्वाड्रेंटल बियरिंग्स कहते हैं या रिड्यूस बियरिंग्स कहते हैं. अच्छा, अब देखें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन आ रहा है तो इसका होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग बराबर होंगे बिकॉज होल सर्कल बियरिंग भी हम नॉर्थ से लेते हैं और रिड्यूस बियरिंग भी नॉर्थ से लेते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक लाइन आ रहा है तो उसका होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग सेम होगा. ठीक है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये उसका होल सर्कल बियरिंग है, रिड्यूस बियरिंग ये है, तो रिड्यूस बियरिंग क्या होगा? 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग. रिड्यूस बियरिंग फिर इसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिड्यूस बियरिंग ये होगा ना, सी ये. सो देन द रिड्यूस बियरिंग विल बी इक्वल टू दिस होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग माइनस 180, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा. सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो होल सर्कल बियरिंग ये होगा ना, तो ये रिड्यूस बियरिंग किसके बराबर हो जाएगा, ये 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, लेकिन जस्ट रिमेंबर दैट होल सर्कल बियरिंग इज द बियरिंग ऑफ अ लाइन टेकन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ, और रिड्यूस बियरिंग जो है दैट इज द बियरिंग ऑफ अ लाइन which is measured from the south or north toward east or west। ठीक है, यहाँ पे देखें सी, ये OA लाइन, OA लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या है 70 डिग्री, इसका रिड्यूस बियरिंग क्या होगा वो भी 70 डिग्री होगा। लेकिन रिमेंबर रिड्यूस बियरिंग के साथ आपने क्वाड्रेंट्स लिखने हैं, वो नॉर्थ और ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो OB लाइन है, OB लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या है 135 डिग्री, इसका रिड्यूस बियरिंग क्या होगा 180 माइनस 135, सो दैट विल बी 45 डिग्री। और इसके साथ आपने क्या लिखना है साउथ ईस्ट, बिकॉज ये साउथ सी ईस्ट के तरफ है। अब ये जो OC लाइन है, OC लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या है, सपोज 265 डिग्री है, तो इसका ये रिड्यूस बियरिंग क्या हो जाएगा 265 माइनस 180, सो दैट विल बी 85 डिग्री। और ये साउथ वेस्ट मीन साउथ से वेस्ट के तरफ है। ये OD लाइन, इसका होल सर्कल बियरिंग क्या है 328 डिग्री, इसका रिड्यूस बियरिंग ये होगा, और क्या होगा 360 से 328 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो ये क्या आ जाएगा 32 डिग्री। और इट विल बी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट के तरफ। इज इट क्लियर होल सर्कल बियरिंग एंड रिड्यूस बियरिंग? यस सर, क्लियर। अच्छा ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज है ना जो कंपास सर्वे में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए। रिड्यूस बियरिंग के साथ हम क्वाड्रेंट्स लिखते हैं, होल सर्कल बियरिंग के साथ क्वाड्रेंट्स नहीं होता, वो 0 और 360 के दरमियान होता है। यहाँ पे देखें सपोज अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो रिड्यूस बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग सेम होंगे, क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर एंगल 90 और 180 के दरमियान है, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, रिड्यूस बियरिंग क्या होगा 180 माइनस होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंट क्या होगा साउथ ईस्ट। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो जाहिर बात है इट विल बी इन बिटवीन 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और रिड्यूस बियरिंग विल बी होल सर्कल बियरिंग से आप 180 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट दिस वन, और ये साउथ वेस्ट होगा। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इट विल बी इन बिटवीन 270 एंड 360, रिड्यूस बियरिंग क्या होगा 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंट क्या होगा नॉर्थ वेस्ट।